सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पर। दोस्तों, अगर आप एक प्रीमियम बजट टैबलेट खरीदना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि आप लोगों को लेनोवो के इस टैबलेट के लिए जो है इंतजार करना चाहिए। इस सीरीज में जो है दोस्तों, कुल मिला के अलग अलग बजट पे तीन टैबलेट जो है यहाँ पे लॉन्च हुए हैं। तो एट प्रेजेंट मैं सबसे प्रीमियम रेंज वाला ही जो है उसमें वो टैबलेट कवर कर रहा हूँ। बाकी दो जो टैबलेट्स हैं वो मैं आगे आने वाले वीडियो में कवर करूंगा। एट प्रेजेंट ये सिर्फ चाइना में लॉन्च हुआ है दोस्तों। इंडिया में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि डेफिनेटली जो है लेनोवो का ये वाला टैबलेट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। नाउ इस बार लेनोवो ने 2021 में योगा सीरीज के भी जो है टैबलेट लॉन्च किए हैं दोस्तों। लेकिन आप लोगों को नेम से ही लग रहा होगा कि जो भी योगा सीरीज के प्रोडक्ट होते हैं वो कॉस्टली होते हैं, तो डेफिनेटली उनके जो योगा के जो टैबलेट्स हैं वो भी कॉस्टली है। लेकिन लेनोवो पैड प्रो 2021 जो है ये आप लोगों को पॉकेट पे बिल्कुल हैवी नहीं पड़ने वाला है। आइए जानते हैं इसके बारे में ए टू जेड डिटेल्स। बाय द वे दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों के लिए ऐसे एक से एक अच्छे एक्सक्लूसिव कंटेंट्स लाते रहता हूं। सबसे पहली बात करते हैं दोस्तों इसके डिजाइन की। सो जो डिस्प्ले आप लोग यहां पे सामने देख रहे हैं दोस्तों, दैट्स एन 11.5 इंच डिस्प्ले। इट्स एन ओलेड डिस्प्ले दोस्तों, व्हिच कम्स विद 90 हर्ट्ज ऑफ रिफ्रेश रेट। 11.5 इंच का डायगोनल आप लोगों को साइज देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, अगर आप एक टैबलेट अर्जेंटली खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वैल्यू फॉर मनी की टैबलेट्स की लिंक आप लोगों के लिए दी हुई है। वहां पे जाके आप इन्हें जो है इजीली चेकआउट कर सकते हैं और चाहे तो खरीद भी सकते हैं। बात करूं तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि ऑलमोस्ट हर टैबलेट जो है मिड प्रीमियम रेंज का वो जो है iPad Pro की धीरे धीरे बराबरी करने लग गया है बेजल्स के मामले में। तो बेजल्स भी आप लोगों को जो है यहाँ पे नैरो देखने को मिल रहे हैं। कैमरा प्लेसमेंट इज समथिंग विच आई लाइक हियर। जैसे कि आप लोग यहाँ पे सामने देख सकते हैं दोस्तों, जो फ्रंट कैमरा है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखा गया है, विच आई थिंक इज मोर प्रैक्टिकल एंड यूजेबल कंसिडरिंग लॉट ऑफ पीपल विल बी यूजिंग दिस टैबलेट फॉर ऑनलाइन कॉल्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। नाउ पीछे की टैबलेट की बात करूं तो दोस्तों यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि कलर जो ऑप्शन है एट प्रेजेंट सिर्फ ये सिल्वर कलर वाला ही मुझे दिखा हुआ है। लेट्स होप कि और भी कलर ऑप्शन आप लोगों को जो है यहां पे देखने को मिले। JBL की तरफ से दोस्तों यहां पे जो है साउंड आप लोगों को देखने को मिलता है। डॉल्बी एटमॉस और डॉल्बी विजन जो है दोस्तों दोनों ये टैबलेट सपोर्ट करता है। स्पीकर के बारे में थोड़ा मैं जो है आप लोगों को और आगे बताने वाला हूं। नाउ यहां पे एक चीज आप लोग देखेंगे दोस्तों कि ऑडियो जैक जो है आप लोगों को इसमें देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको जो है पोगो पिन कनेक्टर देखने को मिल जाता है, जिसकी मदद से जो है आप लोग कीबोर्ड को जो है आसानी से इसमें अटैच कर सकते हैं। कीबोर्ड बाय द वे आप लोगों को जो है अलग से खरीदना पड़ेगा। प्रोसेसर की बात करूं तो हियर इज समथिंग दैट इट गेट्स इंटरेस्टिंग। Snapdragon 870 प्रोसेसर आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। LPDDR5 RAM आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। बाय द वे इट्स एन 6GB RAM। UFS 3.1 का स्टोरेज आप लोगों को देखने को मिलता है दोस्तों यहां पे। और अगर रेजोल्यूशन की बात करूं तो दोस्तों यहां पे आप लोग देख सकते हैं 2.5K डिस्प्ले आप लोगों को देखने को मिलती है। इट्स एन 16:10 पैनल फ्रेंड्स। तो यहां पे आप लोग प्रोडक्टिविटी टास्क कीजिए या फिर मल्टीमीडिया कंजप्शन कीजिए, आप लोगों को यहां पे बहुत ज्यादा आसानी होने वाली है। USB टाइप सी कनेक्टर आप लोगों को यहां पे जो है दोस्तों देखने को मिल जाता है। नाउ बात करते हैं यहां पे स्पीकर सेटअप की। तो यहां पे आप लोगों को ओवरऑल 6 वॉट का साउंड देखने को मिलने वाला है दोस्तों। इट्स एन क्वाड स्पीकर सेटअप 1.5 × 4। तो 6 वॉट का आप लोगों को जो है यहां पे साउंड सिस्टम देखने को मिलता है। बाय द वे दोस्तों, आप लोगों को लैपटॉप में जो है आजकल अगर आप नॉर्मल लैपटॉप भी लें तो उसमें आप लोगों को 4 to 5 वॉट ही देखने को मिलता है। तो टैबलेट में यहाँ पे 6 वॉट का आप लोगों को साउंड देखने को मिल रहा है। दैट टू इट्स एन क्वाड अरे सेटअप। तो यहाँ पे फैंटास्टिक साउंड आपको जो है सुनने को देखने को मिल जाएगा। नाउ बात करते हैं इसके और कुछ कोर स्पेसिफिकेशंस की, मेनली डिस्प्ले। तो डिस्प्ले जो है दोस्तों उसकी एवरेज ब्राइटनेस आप लोगों को जो है 420 निट्स देखने को मिलेगी। 600 निट्स की जो है पीक ब्राइटनेस आपको देखने को मिलती है। मैं कहूंगा कि और बेटर हो सकती थी, लेकिन जो प्राइस में आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों उसके हिसाब से आप लोगों को सारे स्पेसिफिकेशंस जो है ए टू जेड यहां पे सपोर्टेड देखने को मैं कहूंगा कि कंसिडरेबल अमाउंट में देखने को मिलेंगे। नाउ बात करता हूं यहां पे दोस्तों डॉल्बी विजन फॉर्मेट की और SDR10 सपोर्ट की। तो दोनों ही आपको यहां पे देखने को मिलते हैं। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। धीरे धीरे आप लोग ये देखेंगे दोस्तों कि एंड्रॉइड टैबलेट जो है आप लोगों को 120 हर्ट्ज तक भी जाते हुए देखने को मिल जाएंगे, विच इज नीड ऑफ दिस सिचुएशन कंसिडरिंग एप्पल हैज मेड ए लॉट ऑफ प्रोग्रेस इन देयर प्रो सीरीज। तो यहाँ पे एंड्रॉइड टैबलेट जो है धीरे धीरे आप लोगों को कैचअप करते हुए देखने को मिल जाएंगे। जो डिस्प्ले है दोस्तों आप लोग ये देखिए कि 1 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम है, विच इज वेरी वेरी लेस। तो गेमिंग के लिए डिस्प्ले आप लोगों को बढ़िया देखने को मिलने वाली है। बाकी गेमिंग के लिए आप लोगों को स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर देखने को यहां पर मिल जाता है। दिस स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर मैं कहूंगा दोस्तों काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वाली जो चीज है क्रिएट कर रहा है इवन इन मोबाइल सिनेरियो आल्सो। ओवरऑल जो बैटरी है दैट इज एन 8600 mAh बैटरी।
स्टाइलस जो है दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे अलग से खरीदना पड़ेगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे सामने देख सकते हैं। दैट इज वाई कहीं ना कहीं इसकी जो कीमत है थोड़ी आप लोगों को कम देखने को मिलेगी। जैसे आप सैमसंग के टैबलेट्स अगर खरीदते हैं दोस्तों प्रीमियम मिड प्रीमियम वाले, तो वहां पे आप लोगों को स्टाइलस इंक्लूडेड मिलता है। सो कहीं ना कहीं उसकी कॉस्ट भी उसमें जुड़ी रहती है, लेकिन फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल जो कि प्रोडक्टिविटी टास्क बिल्कुल करना नहीं चाहते हैं, रेगुलर सर्फिंग हो गई दोस्तों, उस केस के लिए यहाँ पे आप लोगों को स्टाइलस लेने की बिल्कुल यहाँ पे जो है जरूरत नहीं है। नाउ बात करता हूं मैं इसके वेट की, तो 485 ग्राम का आपको वेट देखने को मिलता है। ओनली 5.8 एमएम की यहाँ पे आपको थिकनेस देखने को मिलती है। क्विक चार्ज 3 आप लोगों को जो है यहाँ पे सपोर्टेड देखने को मिलता है। 20 वॉट की जो है दोस्तों यहाँ पे फास्ट चार्जिंग सपोर्ट यहाँ पे जो है आप लोगों को देखने को मिलती है। नाउ बात करूं मैं रैम की, तो 6 GB रैम में आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। 128 GB का जो है स्टोरेज देखने को मिलता है, दैट इज 3.1। माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट यहाँ पे जो है दोस्तों सपोर्टेड आपको देखने को मिलता है, तो इजीली आप जो है एक्सपैंड कर सकते हैं अपना स्टोरेज। वाईफाई 6 ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट है। जो बैक कैमरा है दोस्तों दैट्स एन 13 मेगापिक्सल मेन मॉड्यूल विथ एन 5 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा, और जो सेल्फी कैमरा है दैट इज एन 8 मेगापिक्सल। तो यहाँ पे प्राइसिंग आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, इट इज अराउंड $390। तो इंडिया में अगर दोस्तों टैक्सेशन के साथ में ये $500 का भी उतरता है तो दैट ट्रांसलेट समवेयर बिटवीन 35,000 to 40,000 rupees, जो कि स्टिल मैं कहूंगा वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड होती है, कंसिडरिंग सैमसंग के जो टैबलेट्स हैं आप लोगों को 60,000 rupees के रेंज में देखने को मिलते हैं। आपका क्या मानना है दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।